हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय सेल्फ नारी राठी, योर बायोलॉजी ट्यूटर। वेलकम टू द फटाफट कॉन्सेप्ट सेशन। सो स्टूडेंट्स, द टॉपिक फॉर द टुडेस फटाफट कॉन्सेप्ट इज द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज होती क्या है, क्या होती है डिफरेंट टाइप्स और क्या होती है उसकी इंपॉर्टेंस आज हम लोग कवर करने वाले। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कि आज का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है। So we will read about the natural resources, then we will read about different types of the natural resources, and then we will see about the importance of the natural resources. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, so let's get started. So students, पहले हम लोग देख लेते हैं कि natural resources किन को बोलते हैं। ठीक है, so let us see the definition of natural resources. So natural resources are the resources which are present in your environment or ecosystem which can be exploited for the economic gain or economic growth. ठीक है, तो आपकी कंट्री का जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए आपको चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और ये नेचर में प्रेजेंट होती है, इसमें मैन का कोई भी रोल नहीं होता है, इनके फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं होता है मैन का। ठीक है, सो दे आर कंप्लीटली नेचुरल और वो नेचर में ऐसे ही प्रेजेंट होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग देखते हैं इनके एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो मेरे प्यारे बच्चों, पहला एग्जांपल है आपका एयर। ठीक है, तो एयर क्या होता है या फिर एयर का कॉम्पोजिशन क्या होता है और ये नेचुरल रिसोर्स किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, कलरफुल सा डायग्राम दिखाई दे रहा है, पाई चार्ट टाइप। ठीक है, तो इसमें ये लिखा है कि 78% नाइट्रोजन होती है। अब ये 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट तो है, बट इसका क्या इंपॉर्टेंस है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 78% नाइट्रोजन आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दैट इज यूजफुल इन मेकिंग द प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो आपके प्लांट्स होते हैं वो बनाते हैं प्रोटीन्स बाय यूजिंग दिस नाइट्रोजन। ठीक है, देन वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है फॉर द पर्पस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो जो आपके प्यारे प्लांट्स हैं, जो खाना बनाते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, दे विल बी यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज ऑल अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। देन वी हैव द ऑक्सीजन। ठीक है, 21% ऑक्सीजन होती है आपके एटमॉस्फेयर में। तो ये ऑक्सीजन का क्या रोल है भाई? ये तो आपको पता ही होगा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वापस करते हैं। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो इसीलिए एयर हमारा जो है नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि आप तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो ना एयर, एयर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स दैट वी हैव इज द वॉटर। ठीक है, तो वॉटर की क्या इंपॉर्टेंस होती है, वॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द वॉटर। ठीक है, तो अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, तो फॉर्मूला होता है H2O। तो इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है हाइड्रोजन एंड वी हैव द ऑक्सीजन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब ये वॉटर नेचुरल रिसोर्स है, ये प्रेजेंस है इन द फॉर्म ऑफ द ओशियंस एंड द सीज। ओशियन और सीज आपने तो नहीं बनाए ना जाके? नहीं ना। ठीक है, तो जो वॉटर है वो नेचर में प्रेजेंट है, लेकिन आपकी जो बॉडी है उसको चाहिए वॉटर फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, उसके लिए आपको चाहिए वॉटर। ठीक है, और आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर कितना परसेंट वॉटर होता है? इट इज 70% वॉटर। 70% आपकी बॉडी बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ पानी की, जो की है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स दैट वी हैव इज द सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट का क्या इंपॉर्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों? सन को आपने नहीं बनाया। ठीक है, तो मैन का तो कोई रोल नहीं है यहाँ पे, सन जो है वो नेचर में एज इट इज प्रेजेंट है। ठीक है, तो सनलाइट का क्या यूज है? ठीक है, तो सनलाइट का ये यूज है मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो आपकी एनर्जी है वो मोस्टली जो है वो आपकी सनलाइट से आती है, जो कि एब्जॉर्ब करता है प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, एंड दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो प्रोसेस करते हैं किस चीज का? फोटोसिंथेसिस का, जिसके लिए सनलाइट जरूरी है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये रोल है आपका सनलाइट का, जो कि है नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है नेचुरल रिसोर्स। सो स्टूडेंट्स, एज यू आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स वी हैव द सॉइल। ठीक है, सॉइल का कंटेंट क्या है भाई? सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? ठीक है, तो सॉइल जो है वो मोस्टली उसके अंदर होते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जो कि एब्जॉर्ब करता है प्लांट। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए उसको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब हम क्या है, हम तो खाना खाते हैं तो हमको तो वहां से मिल जाते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, बट प्लांट को कहां से मिलेंगे? प्लांट भी तो ग्रोथ करता है ना, छोटे से बड़ा होता है,
तो उसको मिलेंगे बच्चा सॉइल से, ठीक है। तो सॉइल के अंदर होते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स, और इसीलिए ये एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारे लिए बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्स दैट वी हैव इज द फॉरेस्ट। अब देखो, फॉरेस्ट जो है आपको पता है कि उसके अंदर बहुत घने घने पेड़ होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े भी पेड़ होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी पेड़ होते हैं, जिनको हम लोग हर्ब्स श्रब्स बोलते हैं, और बड़े बड़े बिग बिग ट्रीज भी होते हैं। तो लेकिन फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो फॉरेस्ट है ना, इट इज अबंडेंस ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसीलिए ये बन जाता है हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। और फॉरेस्ट जो है वो नेचर का ही एक गिफ्ट है आपको, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट वी हैव, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स वी हैव द फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल्स में क्या क्या आते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं आपके कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक है। तो कोल आपने सुना होगा कि बर्न करके हम लोग क्या करते हैं, फूड भी बनाते हैं, गांव में ये यूज होता है मोस्टली विलेजेस रूरल एरियाज में, ठीक है। पेट्रोलियम तो भाई आपको पता ही है, अगर आपको कहीं पे जाना है, सपोज करो आपको अपनी नानी के घर पे जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा। उस ट्रांसपोर्ट में क्या डलेगा, या तो पेट्रोल डलेगा या फिर डीजल चलेगा, ठीक है। तो भाई पेट्रोल और डीजल क्या है? पेट्रोल और डीजल आपका फॉसिल फ्यूल ही तो है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल आपके बन जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स दैट वी हैव, एंड दिस इज अ गिफ्ट ऑफ द नेचर व्हिच इज गिवन टू अस, ठीक है। तो ये हो जाते हैं आपके नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग देखते हैं कि भाई क्या डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल रिसोर्स होते हैं, ओके मेरे प्यारे बच्चों। So students, we have the two different types of the natural resources. We have the renewable natural resources and non-renewable natural resources. ठीक है? तो आप हम देखते हैं कि renewable natural resources क्या होते हैं। So renewable natural resources renew, ठीक है, तो ये दोबारा से बन सकते हैं आपके एटमोसफेयर में, और ये अबंडेंस में होते हैं, ठीक है, ये इनफिनाइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि मैं बात करती हूँ सनलाइट की, तो सनलाइट अबंडेंस में प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज सनलाइट कम है या फिर कल को खत्म हो जाएगी, नहीं बच्चा, नहीं होगी खत्म, ठीक है, सनलाइट अबंडेंस प्रेजेंट है। देन वी हैव द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी अबंडेंस में हमारे पास प्रेजेंट है। तो ये सारे हो जाते हैं आपके रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, और वो दोबारा से बनाए जा सकते हैं, फॉरेस्ट दोबारा से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू हैव इनफ लैंड तो उसमें आप लोग क्या कर सकते हो, प्लांट्स को ग्रो करके फॉरेस्ट बना सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो जाते हैं आपके रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स दैट वी हैव इज द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल ये दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते हैं, ये दोबारा से नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो होती है कम, या फिर उनकी क्वांटिटी जो होती है वो फाइनाइट होती है। अगर आप उनको बहुत ज्यादा अबंडेंस में यूज करोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। अगर मैं पेट्रोल की बात करूं ना, तो पेट्रोल की सिर्फ उम्र बची है 50 ईयर्स, ठीक है, 50 साल के बाद पेट्रोल खत्म हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक वी हैव द फॉसिल फ्यूल्स एंड वी हैव द मिनरल्स, तो ये क्या है, अगर हम इनको अबंडेंस में यूज करेंगे तो वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा होता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में, ठीक है। सो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द नॉन रिन्यूएबल एंड द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि क्या होता है ये दोनों के बीच में। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन द रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखते हैं इस टेबल के अंदर क्या लिखा है। सो फर्स्ट पॉइंट जो लिखा है रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में, दैट दे कैन बी रिन्यूड, मतलब वो दोबारा से बनाई जा सकती हैं, ठीक है। और एज कंपेयर टू द नॉन रिन्यूएबल दे आर दी नॉन रिन्यूड, वो दोबारा से नहीं बनाई जा सकती हैं, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की, जो उनकी क्वांटिटी है वो बहुत ही अबंडेंस है, ठीक है, दे आर इनफाइनाइट क्वांटिटी, बट एज कंपेयर टू द नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज दे हैव द फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है। तो उनकी जो क्वांटिटी है बहुत ही लेस है। अगर मैं बात करती हूँ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की, जो तीसरा पॉइंट कहता है दैट ये आर इको फ्रेंडली, तो अगर आप उनको बर्न भी करते हो, वो तो हमें जो नेचर है वही प्रोवाइड कर रहा है ना, तो अगर आप उनको बर्न करोगे ना,
तो वो इको फ्रेंडली है, वो एनवायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नॉन रिन्यूएबल, जो कि फाइनाइट क्वांटिटी में होती है और जो दोबारा से नहीं बनाई जा सकती है, मेरे प्यारे बच्चों, वो एनवायरमेंट को हार्म करती है, क्योंकि हम अगर उनको इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ना, तो वो बहुत ही हार्मफुल गैसेस को सिक्रीट करती है। ठीक है, तो ऐसा होता है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में। अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ तो आपको पता है फाइनाइट जो है वो आते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स और मिनरल्स, और अगर मैं बात करती हूँ एग्जांपल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो है आपका सनलाइट, वाटर एंड एयर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा होता है आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देख लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है आपका कि इट इज अ रिजर्व फॉर द रॉ मटेरियल्स। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल्स छिपे हुए होते हैं। अगर मैं बात करती हूँ फॉरेस्ट की, ठीक है, जो कि एक आपका नेचुरल रिसोर्स है, तो फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जो इतने बड़े बड़े ट्रीज होते हैं वो काम करते हैं आपका एज अ वुड। ठीक है, तो वुड जो उसके अंदर होता है दैट विल बी सर्विंग एज अ रॉ मटेरियल, और वो रॉ मटेरियल हम लोग यूज करते हैं फॉर दी फर्नीचर्स। ठीक है, हम लोग बहुत सारे एज अ फ्यूल भी हम लोग वुड को यूज कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स आपको नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिल जाते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड पॉइंट। सो स्टूडेंट्स, द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट सेज कि जो आपके फॉसिल फ्यूल्स होते हैं वो जब बर्न होते हैं तो वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी किसको प्रोवाइड करते हैं? आप थोड़ी पेट्रोल पी रहे हो, कौन पी रहा है पेट्रोल? आपकी गाड़ी पी रही है पेट्रोल। तो देखो ये जो गाड़ी जा रही है इसके ऊपर रखा है बहुत सारा सामान, तो ये लोग जा रहे हैं वेकेशन पे। तो वेकेशन पे जाने के लिए आपको चाहिए व्हीकल, और व्हीकल को एनर्जी के लिए क्या चाहिए भाई? आप जब आपको कोई एनर्जी चाहिए तो आप खाना खाते हो ना, बहुत यमी यमी खाना खाते हो और पेट बिल्कुल फुल कर लेते हो। सो सिमिलरली पेट्रोल चाहिए भाई गाड़ी को चलने के लिए, तो पेट्रोल क्या है? वो आपका नेचुरल रिसोर्स है तो है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग यूज करते हैं आपका नेचुरल रिसोर्स फॉर दी एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है आपका। सो थर्ड पॉइंट ये बोलता है आपका कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था ना कि रॉ मटेरियल्स मिलते हैं हमको नेचुरल रिसोर्सेज से, तो जो रॉ मटेरियल्स हमको मिलेंगे वो इंडस्ट्रीज में जाएंगे, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन करेंगी, और प्रोडक्शन के बाद वो एक्सपोर्ट करेंगी चीजें। अब जब चीजें एक्सपोर्ट होंगी तो उससे मनी आएगा। ठीक है, मनी आएगा कि नहीं आएगा? तो उस मनी से क्या होगी? उस मनी से आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, so that is all about your natural resources, the different types of the natural resources and the importance of the natural resources. ठीक है, so मेरे प्यारे बच्चों, this is all about today's फटाफट concept. So for more such फटाफट concepts, you have to subscribe the channel, press this bell icon so that you will get the daily updates, and please join our telegram channel, because वहां पे आपको सारे के सारे sessions का schedule daily मिलेगा, all the queries related to your notes, सब कुछ वहां पे हम लोग आपको provide करेंगे. Okay मेरे प्यारे बच्चों, so stay tuned, bye bye, we will meet in the next session.